Hi, what's up guys, welcome. This is one more video about IELTS writing skills. In this video, I'm going to talk about these two words, nevertheless, nonetheless. These two words are rarely used by English speakers in day-to-day English, and you hardly heard about these two words from native speakers. Why I made this video? With the intention of creating awareness in the minds of the students about the correct usage of these two words in order to get high score, not only in IELTS but also in other competitive exams. If you understand it fully, you can also get benefited not only in IELTS writing but also in IELTS reading and listening modules. So let's get started with the correct pronunciation of these two words. The correct pronunciation is nevertheless, nonetheless. Most students mispronounce. They speak nevertheless, nonetheless. I mean, they speak the rather than the. But the correct pronunciation is nevertheless, nonetheless. Okay, if you want to keep these two words in your mind for a long time, so you have to memorize four facts about the correct usage of these two words. So begin with the first one is, these two words are interchangeable. आप इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे use कर सकते हैं. I mean, nevertheless की जगह आप nonetheless का प्रयोग कर सकते हैं. Nonetheless की जगह आप nevertheless का प्रयोग कर सकते हैं. हिंदी में अनुवाद करें, इन दोनों शब्दों का मतलब है फिर भी, इसके बावजूद, यद्यपि. और ये आप कई बार देखेंगे but के साथ बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है. Number two, two words you can use anywhere in the sentence. आप इसे कहीं पे भी use कर लीजिए. I mean at the beginning, middle or at the end of the sentence, right? और तीसरी बात, these two words are used in English senses where we talk about contrasting ideas. Contrasting ideas means opposing ideas, not exactly but somehow. यानी कि हम ये दो शब्द वहाँ पर उपयोग करते हैं जहाँ पर हम कंट्रास्टिंग आइडियाज़ की बात करें. अपोजिंग आइडियाज़ जो एक्सट्रीमली अपोजिट नहीं होते बट समहाउ कहीं ना कहीं अपोजिट होते हैं. नंबर फोर, दिस टू वर्ड्स आर मोर फॉर्मल देन वर्ड्स सच एज हाउएवर, बट एंड सो. दोस्तों, ये दो शब्द फॉर्मल हैं और ये प्रोफेशनल एंड एकेडमिक राइटिंग में हमें यूज़ करने चाहिए रेदर देन वर्ड्स सच एज However, but and so की जगह, right? So दोस्तों, आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस सेंसेस के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे हम इन दोनों शब्दों का उपयोग करते हैं इंग्लिश सेंसेस में. पहले बात कर लेते हैं nevertheless. First example, I knew a lot about the subject already, but her talking was very interesting nevertheless. मैं विषय के बारे में बहुत कुछ जानता था, फिर भी मुझे उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगी. दोस्तों, जब आप किसी विषय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आप उस विषय के बारे में सुनना नहीं चाहते. तो यानी कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो दो आइडियाज़ हैं एक सेंटेंस में, वो दोनों कंट्रास्टिंग है. सो दोस्तों, आपने क्या किया, एक आइडिया लिखा, आई न्यू अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट ऑलरेडी, उस आइडिया को ख़त्म किया, कोमा का उपयोग किया और बट हर टॉकिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग नेवरदलेस. दोस्तों, यहाँ पर आप समझे, नेवरदलेस हमने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया है. आप इस तरीके से भी नेवरदलेस का उपयोग कर सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते थे, आई न्यू अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट ऑलरेडी बट नेवरदलेस हर टॉकिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप. यानी कि नेवरदलेस आप एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं जब हम बट का उपयोग करते हैं, राइट? अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, मैनी मैरिजेस फेल, बहुत शादियां फेल हो जाती हैं, टूट जाती हैं. अब यहाँ पे हमने दूसरा सेंटेंस शुरू किया है, तो हमने नेवरदलेस के साथ शुरू किया, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो अपर केस में आएगा. नेवरदलेस पीपल कंटिन्यू टू गेट मैरिड, बहुत शादियाँ टूट जाती हैं फिर भी लोग शादियाँ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं. यहाँ पे हमने नेवरदलेस एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड सेंटेंस किया है, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपर केस में लिख के उसके बाद कॉमा डालकर हम सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, राइट? दोस्तों, थर्ड एग्जांपल,
He had problems but nevertheless managed to make his most famous painting. उसको बहुत सारी problems का सामना करना पड़ा पर फिर भी उसने manage किया और एक बहुत बढ़िया painting के रूप में प्रस्तुत किया. So दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि but के साथ आप nevertheless का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही किया गया है. ये मैंने समझाने के लिए इसीलिए तीनों अलग अलग sentences लिखे हैं. अब आप nevertheless को end में भी लिख सकते थे. कैसे, एक बार सुनिए. He had problems but managed to make his most famous painting nevertheless. Right दोस्तों, इसी तरीके से हम nonetheless का प्रयोग करेंगे. आइए कुछ examples ले लेते हैं. There are serious problems in our country. Nonetheless, we feel this is a good time to return. बहुत सारी serious problems हैं हमारे देश में, फिर भी हम चाहते हैं कि हम वापस जाएं. Right? Nonetheless, we feel this is a good time to return. जैसे हम nevertheless का प्रयोग करते थे, वैसे ही हमने nonetheless का किया है. At the beginning of the second sentence, तो हमने जो first alphabet वो अपर केस में लिखना है, उसके बाद कोमा का प्रयोग करना है. Right? दूसरी तरफ, despite being younger than others, यानी कि कम आयु होने के बावजूद भी स्मिथ वॉज नॉनदलेस ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम. स्मिथ फिर भी एक वैल्यूएबल मेंबर है टीम का. सो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे कैसे नॉनदलेस का प्रयोग किया है. एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक हम ऐसे भी लिख सकते थे कि नॉनदलेस हम एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं, उसका कॉमा, जैसे हमने बाकी सेंसेस में किया है. डिस्पाइट बींग यंगर देन अदर्स, Nonetheless, Smith was a valuable member of the team. Right, दोस्तों? Next, there are possible risks, but nonetheless, we feel it's a sound investment. बहुत सारे risk हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये एक अच्छी investment होगी. तो यहाँ पे हम जैसे but nevertheless एक साथ use करते हैं, but nonetheless हम एक साथ use करते हैं. और काफ़ी senses में आप इसको ऐसे ही देखेंगे कि but nevertheless और nonetheless के साथ use किया गया है, लेकिन contrasting होंगे ideas. There are possible risks but nonetheless we feel it's a sound investment. So दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों interchangeable है. तो यहाँ पे जैसे कि हमने nevertheless का उपयोग किया, हम nonetheless का उपयोग कर सकते थे. Many marriages fail, nonetheless people continue to get married. Right? यहाँ पे भी कर सकते थे. I knew lot about the subject already, but her talking was very interesting, nonetheless. Right? इसी वे में हम nonetheless की जगह nevertheless का उपयोग किया जा सकता था. There are serious problems in our country. Nevertheless, we feel this is a good time to return. इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते थे. डिस्पाइट बींग यंगर देन अदर्स, स्मिथ वॉज नेवरदलेस ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम. सो राइट दोस्तों, ये थी मेरी एक वीडियो नेवरदलेस नॉनदलेस के ऊपर. सो दोस्तों, आप अच्छे से समझ लीजिए इन दोनों शब्दों को, एक दो तीन बार वीडियो देख लीजिए, फिर जो भी आपका मकसद है आप उसे पूरा कीजिए इन दोनों शब्दों का उपयोग करते हुए. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आप मुझसे स्पोकन इंग्लिश या फिर आईएलट्स राइटिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा. आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी. धन्यवाद.